देश के तड़के में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं और सर्दी में विशेष करके बनाए जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम तिल, 200 ग्राम गुड़, गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, 50 ग्राम भुनी मूंगफली, थोड़े से काजू बादाम डाल सकते हैं आप। किशमिश मैंने इसलिए डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करके तिल भून लेंगे। इसे हम हल्का बादामी कलर आने तक भूनते रहेंगे। तिल भून चुके हैं और हल्के बादामी कलर के हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये तिल भून चुके हैं लड्डू के लिए, इसमें से आधे तिल पीस लेंगे और आधे तिल साबुत ही रहने देंगे। जो मूंगफली हमने भुनी थी वो भी तिल के साथ पीस लेंगे। मूंगफली और तिल पीस चुका है, आइए चाशनी बना लेते हैं। लड्डू की चाशनी बनाने के लिए हम इसमें गुड़ तोड़ लिया है हमने, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे चाशनी के लिए। अब गैस चालू कर लेते हैं। गैस हमारी मीडियम ही रहेगी, तेज कर देंगे तो चाशनी जल जाती है, गुड़ जल जाएगा क्योंकि पानी हमने थोड़ा डाला है। गुड़ को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे ना चाशनी, और सारा गुड़ हमारा पिघल गया है। अब इसमें हम तेल और पिसे हुए तिल दोनों डाल लेंगे फटाफट। डाल दिए पिसे हुए तिल, सारा तिल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने, ठंडा हो जाएगा फिर इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। गैस बंद कर दिए, मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे, आप कोई भी साइज दे सकते हैं। हमने यहाँ मीडियम आकार दिया है लड्डू का। जब तक ये स्मूथ ना हो जाए आप इन्हें हाथों से ऐसे ही आकार देते रहें। और लड्डू तैयार हैं, आप इन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं और 10-15 दिन तक खा सकते हैं। टेस्ट के तड़के को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिए।